राइट दी ट्रूथ वैल्यूज ऑफ दी फॉलोइंग। अब यहाँ पर सिंपल स्टेटमेंट नहीं है, सिंपल स्टेटमेंट रहता तो हम डायरेक्टली कह देते कि हाँ ठीक है ये सही है, ट्रूथ वैल्यू विल बी ट्रू, और अगर फॉल्स स्टेटमेंट है तो ट्रूथ वैल्यू विल बी फॉल्स। यहाँ पर कंपाउंड स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर हमें पहले सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना होगा और सारे टेबल्स अकॉर्डिंग टू कनेक्टिव वर्ड्स हमें सारे टेबल रिकॉल करने होंगे। तो अगर यहाँ पर देखें फर्स्ट एग्जाम्पल, फोर इज ऑड और वन इज प्राइम, सो पी स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं फोर इज ऑड, क्यू स्टेटमेंट लिख सकते हैं वन इज प्राइम। और जब यहाँ पर लिख रहे हैं तभी इसकी ट्रूथ वैल्यू लिख देते हैं, फोर इज ऑड तो ये तो फॉल्स है, तो ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। और वन इज प्राइम तो ये ट्रूथ वैल्यू इसकी भी फॉल्स होगी, क्योंकि वन को ऐसा कंसिडर किया जाता है नाइदर प्राइम नॉर कॉन्जुगेट नॉर कंपोजिट, ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो गई इसकी, क्योंकि कनेक्टिव वर्ड और है तो हम लिखेंगे पी और क्यू। अब यहाँ पी की वैल्यू हमने हमें क्या मिली है फॉल्स, तो हम पी की वैल्यू लिखेंगे फॉल्स, और क्यू की वैल्यू क्या मिली है फॉल्स वो भी लिखेंगे फॉल्स। अब हमें और वाला टेबल रिकॉल करना है, डिसजंक्शन वाला टेबल, जिस डिसजंक्शन में क्या है दोनों फॉल्स तो फॉल्स अदरवाइज ट्रू, तो यहाँ पर दोनों फॉल्स है तो इसकी वैल्यू जो होगी फॉल्स होगी, देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये जो है गिवन स्टेटमेंट का आंसर रहेगा, ट्रूथ वैल्यू रहेगी। क्वेश्चन नंबर 264 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो हम फर्स्ट स्टेटमेंट ले लेते हैं 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और यहीं इसकी ट्रूथ वैल्यू भी लिख देते हैं। ट्रूथ वैल्यू क्या है, 64 परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि 8 स्क्वायर होता है 64, ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। देन 46 इज अ प्राइम नंबर, क्यू सेंटेंस है, 46 प्राइम नंबर नहीं है तो 46 इज अ प्राइम नंबर, इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी फॉल्स, तो यही लिख देते हैं ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। अब सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, क्योंकि कनेक्टिव वर्ड एंड है तो ये कंजंक्शन का एग्जांपल है, तो हम इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे पी एंड क्यू। अब पी की वैल्यू हमने निकाली थी ट्रू, तो वो पी की वैल्यू लिख देते हैं ट्रू, एंड क्यू की वैल्यू फॉल्स तो क्यू की वैल्यू भी फॉल्स लिख देते हैं। यानी कंजंक्शन का टेबल हमें रिकॉल करना है, तो उसको याद करने का तरीका ये था कि दोनों ट्रू तभी ट्रू, इफ बोथ ट्रू देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स, तो यहाँ पे दोनों ट्रू नहीं है तो ये अदरवाइज का केस हो गया है, तो आंसर विल बी फॉल्स। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, यानी जो कंपाउंड स्टेटमेंट गिवन है उसकी ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। क्वेश्चन 3, 5 इज अ प्राइम नंबर एंड 7 डिवाइड्स 94, तो यहाँ पर पी स्टेटमेंट है 5 इज अ प्राइम नंबर जो कि सही है, तो यहाँ लिख देते हैं ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू, और क्यू जो है वो है 7 डिवाइड्स 94 विच इज रॉन्ग इजंट इट, सो ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। तो सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे इसमें, कनेक्टिव वर्ड है एंड तो कंजंक्शन का एग्जांपल है पी एंड क्यू, पी की वैल्यू हमें मिली है ट्रू वो वैल्यू लिखेंगे ट्रू, एंड क्यू की वैल्यू मिली है फॉल्स वो फॉल्स, और फिर कंजंक्शन का टेबल रिकॉल करेंगे, दोनों ट्रू तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स, तो ये अदरवाइज केस में आ गया तो आंसर विल बी फॉल्स। तो यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, कंप्लीट जो कंपाउंड स्टेटमेंट है उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो गई है फॉल्स। इट इज नॉट ट्रू दैट 5 माइनस 3i इज अ रियल नंबर,
तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट है पी पी स्टेटमेंट लेते हैं, 5 माइनस 3 i इज अ रियल नंबर, और ट्रुथ वैल्यू इसकी लिख देंगे ट्रुथ वैल्यू, क्योंकि 5 माइनस 3 i इज अ रियल इज नॉट अ रियल नंबर, इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट मीन्स ट्रुथ वैल्यू इज फॉल्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया, इट इज नॉट ट्रू, तो ये एक तरीका है निगेशन बनाने का। जैसे हम लिखते हैं 5 माइनस 3 i इज अ रियल नंबर का, अगर निगेशन हम अपने अंदाज में बनाएं तो 5 माइनस 3 i इज नॉट अ रियल नंबर, है ना। तो ये भी बना सकते हैं कोई भी सेंटेंस के आगे अगर लिख दें इट इज नॉट ट्रू दैट और वो सेंटेंस, तो ये भी निगेशन में आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर निगेशन दिया है, 5 माइनस 3 i इज नॉट अ रियल नंबर। अब 5 माइनस 3 i इज नॉट अ रियल नंबर, ट्रुथ वैल्यू जो है इसकी क्या हो गई है, ट्रू। और हमें निगेशन के ट्रुथ टेबल से भी पता है कि अगर पी सेंटेंस फॉल्स होगा तो निगेशन पी की वैल्यू फॉल ट्रू होगी, ट्रुथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। और यही निगेशन पी ही हमारा क्वेश्चन है, तो हमारा ये फाइनल आंसर आ गया है कि जो ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट है वो ट्रू है। इफ 3 × 5 = 8, तो पी सेंटेंस है 3 × 5 = 8 विच इज फॉल्स, 5 × 3 = 15 बट हियर इट इज गिवन 8, तो लिख देंगे कि ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। फिर क्यू सेंटेंस लेते हैं, क्यू स्टेटमेंट है 3 + 5 = 15 जो कि रॉन्ग है, तो ट्रुथ वैल्यू इज फॉल्स। अब यहां देखिए इफ और देन है कनेक्टिव, यानी इम्प्लाइज, सिंबॉलिक फॉर्म क्या बन जाएगी, पी इम्प्लाइज क्यू। अब पी की वैल्यू है हमारे पास फॉल्स, क्यू की वैल्यू भी है फॉल्स। अब इसका टेबल हमें रिकॉल करना है, तो इसका टेबल हम कैसे याद किए हैं कि फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स देन फॉल्स, है ना। फर्स्ट अगर ट्रू रहता है सेकेंड फॉल्स रहता है, तो आंसर जो हो जाएगा वो फॉल्स हो जाएगा, बाकी सारे केसेस में ट्रू रहेगा, तो ये बाकी सारे केसेस वाले में आ जाएगा दोनों फॉल्स केस, तो इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। तो लिख सकते हैं कि ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, जो कंपाउंड स्टेटमेंट है, इज ट्रू। मिल्क इज वाइट इफ एंड ओनली इफ स्काई इज ब्लू, पी सेंटेंस है मिल्क इज वाइट, एंड क्यू सेंटेंस है इसकी ट्रूथ वैल्यू लिखेंगे, मिल्क इज वाइट इन कलर, यस, सो ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। क्यू है स्काई इज ब्लू, सो यस इट इज ऑल्सो ट्रू, सो ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। अब यहाँ कनेक्टिव क्या है, इफ एंड ओनली इफ है, यानी डबल इम्प्लाइज, तो सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे पहले पी डबल इम्प्लाइज क्यू, दोनों की ट्रूथ वैल्यू ट्रू है। ठीक है, अब डबल इम्प्लाइज का, डबल इम्प्लीकेशन का टेबल हमको रिकॉल करना है, उसको हमने कैसे याद किया है, दोनों सेम तो ट्रू, दोनों सेम मतलब अगर दोनों सेंटेंस ट्रू ट्रू होते हैं तब भी आंसर ट्रू मिलेगा, और दोनों सेंटेंस फॉल्स होते हैं तब भी आंसर ट्रू मिलेगा, तो दोनों सेम तो ट्रू, बाकी अदर केसेस में फॉल्स, तो यहाँ पे दोनों ट्रू का केस है तो आंसर विल बी ट्रू, तो लिख सकते हैं देयरफॉर वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ट्वेंटी फोर इज अ कंपोजिट नंबर और 17 इज अ प्राइम नंबर, तो पी सेंटेंस होगा 24 इज अ कंपोजिट नंबर, क्यू सेंटेंस होगा 17 इज अ प्राइम नंबर, तो 24 कंपोजिट नंबर है, यस, तो ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। 17 इज अ प्राइम नंबर, ये भी सही है, तो इसकी भी ट्रूथ वैल्यू ट्रू होगी, और सिंबॉलिक फॉर्म होगा कनेक्टिव के हिसाब से, कनेक्टिव है
और डिसजंक्शन का एग्जाम्पल है. सो पी और क्यू, पी की वैल्यू ट्रू है और क्यू की वैल्यू भी ट्रू है, तो हमें अब टेबल रिकॉल करना होगा डिसजंक्शन का. तो डिसजंक्शन का टेबल है, दोनों कैसे याद किए हैं कि दोनों फॉल्स तभी फॉल्स, तो यहाँ पे बाकी सारे केसेस में ट्रू, तो यहाँ पे बाकी सारे केसेस में से एक केस आ गया है, तो इसका आंसर ट्रू होगा. तो स्टेट ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट. Is true.